हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जॉस्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज जी गाइस तो आज है हमारा थर्टी नाइन्थ डे एंड बिलीप में आज का बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस आई मीन प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ जब भी आपको फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा ये आप ही के लिए ही है आप ही का ही जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा एंड दूसरा कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग जास्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जास्क्रिप्ट कोर्स पार्ट वन पार्ट टू कॉमर्स वेबसाइट अपडेट कर चुका हूँ प्लीज इनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस तो बताना चाहूंगा आज का जो वीडियो ये वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज होने जा रहा है टिल नाउ ठीक है अभी तक जितना भी हमने सॉल्व किया उसके बेस पे क्योंकि फाइनली अब आपको ना एज फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है एज कल के दिन भी हमने गाइस uh, ये जो डेट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम खेले थे एंड टूडे ऑल्सो विल प्ले विद द डेट ऑब्जेक्ट बट आज का जो वीडियो है ना कसम से मजा आ जाएगा सी यहाँ पे ना हम आपको डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं क्या दे रहे हैं ये कैसे हम डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं एंड आपको इसके बेस पे फाइंड आउट करना है कि आज के दिन वो जो भी बंदा है या जो भी वो इंसान है उसका एज क्या है अब आप सोचो ये कैसे कर सकते हो लाइक यूजिंग जावास्क्रिप्ट ये कैसे पता लगा सकते कि कोई भी अगर अपना डेट ऑफ बर्थ दे रहा है तो अब आपको एक कोड लिखना है जिसके चलते बहुत ईजी यूँ चुटकी में आप उनका जो एज है उसको एकदम एक्यूरेटली बता सकते हो

चेक इफ द करेंट मंथ इज लेस देन दर्थ मंथ और इफ इट्स द सेम मंथ बट टूडेज डेट इज ओ माई गॉट मैं इसको रीड कर रहा था मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इफ कंडीशन इज इज चेक इफ इफ द मंथ मंथ लेस देन और इट्स द सेम मंथ बट टूडेज डेट इज बिफोर द बर्थ डेट ओके तो uh, ये जो है मैं समझ गया ये मैं समझ गया हूँ जब हम आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों हिंट हमने दे रखी है वहां पे ठीक है सबसे पहले तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना कि आज का डेट क्या है टूडेज डेट करेंट डेट जो सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे ठीक है फर्स्ट स्टेप चलो वो है सो लेट्स राइट आवर प्रो लॉजिक सो कॉन्स्ट एज ठीक है तो हम वन बाय वन चलते हैं पहले यहाँ पे ऑल राइट right. तो ये हम एक काम कर लेते हैं ठीक है एंड एक काम करते तो चलो थोड़ा स्टेप लिख लेते हैं मतलब करेंट जो भी अपना डेट है ठीक है करेंट डेट हम फाइंड आउट करेंगे चलो ठीक है सबसे पहला दूसरा होगा कैसे अपना ये हमारे पास ऑलरेडी ये जो दिया हुआ डेट है ना ओल्ड बर्थ डेट एंड हमें जब करेंट डेट मिल जाएगा तो हमारे पास एक मेथड है इन डेट ऑब्जेक्ट की हम उनका जो ईयर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, हम क्या करेंगे करेंट डेट जो है ठीक है करंट डेट में तो आपको डे मंथ ईयर मिल रहा था तो करंट डेट का जो ईयर है उसको फाइंड आउट करेंगे एंड साथ ही साथ जो हमारा ये बर्थ डेट होगा ठीक है उसका जो ईयर है उसको मुझे फाइंड आउट करना है सिंपल ऑल राइट तो मुझे अब इसका भी आ, साल मिल जाएगा कि कौन सा साल था एंड मुझे अब इसका भी साल मिल जाएगा चलो ठीक है उसके बाद जब मुझे दोनों के साल मिल जाएंगे तब मैं ये क्या कर सकता हूं मैं बहुत इजीली एज को फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय सैक्टिंग जो भी ये करंट वाला जो डेट का ईयर है ठीक है मतलब आप ये समझ लो ना वापस इसी का ही जो मुझे ईयर मिला होगा तो आप इसको करंट ईयर इस तरीके से लिख लो माइनस आपका ये जो बर्थ ईयर है ठीक है तो आपको क्या मिल गया एज मिल गया और लग गया इस तो यहाँ पे हमने ये काम तो कर लिया अब आपको लग रहा होगा यार एज तो निकल गया कितनी इजिली बट ऐसा नहीं है एज निकल गया डेट्स फाइन बट एक प्रॉब्लम है लेट्स इमेजिन ये बंदे का बर्थडे आता है पंद्रह तारीख को ठीक है एंड एक चीज बस आप ये ध्यान में रखना कि ये जो डेट ऑब्जेक्ट है ठीक है तो इसको आप ध्यान से रखना ये देखा मैं क्या बोल रहा था इनका जो मंथ है ना वो स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो टू इलेवन तो यहां पे जो इन्होंने फाइव लिखा है ना इट मीनस ये एक्चुअल में सिक्स है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई एंड देन जून तो ये जून है हाँ, मे नहीं है ये इसलिए मैं कहता हूं ना कि बेसिक क्लियर होना जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत बहुतों को तो ये मे का महीना लग रहा है बट इन रियलिटी इट्स जून ठीक है बट right. ये 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 वाला जो थर्ड स्टेप है ना ना अगर अगर यहीं तक ही करके अगर आप छोड़ देते हो तो लेट्स इमेजिन बंदा ना, कुछ तो भी नाइनटीन uh, नाइनटी है अभी ये क्या चल रहा है 2024 तो मतलब कुछ तो भी 34 फोर एज बता देगा कितना बता देगा 34 फोर है ना बट इन रियलिटी वो 34 का तो वह ही नहीं है मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्यों थर्टी फोर का ये बेसिकली अभी दो हजार चौबीस चल रहा है ना दो हजार चौबीस में वो थर्टी फोर का तब होगा जब वो इस पर्टिकुलर डेट में ये जो दिख रहा है इसी को मैं कॉपी करता हूं पेस्ट करता हूं तो इसके बदले यहां पे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पांच के बदले यहां पे या तो पंद्रह होना चाहिए पंद्रह भी नहीं यहां पे सोलह होना चाहिए टाइम फिर भी इट्स फाइन अगर ये डेट होता तो हम बोलते कि वो थर्टी फोर हो गया बट नहीं ये आज का डेट तो ये है ही नहीं आज का डेट तो कैसे है यहाँ पे बेसिकली चार एंड यहाँ पे आज है ये जीरो थ्री तो इन रियलिटी वो थर्टी फोर अभी तक हुआ ही नहीं है अभी भी कुछ दिन बाकी है उसको थर्टी फोर होने में तो हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा जहाँ पे जो भी करेंट मंथ है क्या अभी भी उसका जो बर्थडे वाला मंथ है उससे कम है देखा अब आपको पता चल गया ना हमारा जो करेंट मंथ है करेंट तो यही चल रहा है अभी क्या उसका जो बर्थडे था जो कि जून का महीना उससे कम है ऑब्वियसली कम है और इफ इट्स द सेम मंथ बट द टूडेज डेट इज बिफोर इवन अगर महीना सेम भी होता है लेट्स इमेजिन ये आज जून का महीना है लेट्स इमेजिन ये भी पाँच है लेकिन डेट तो अभी भी तीन ही है बर्थडे जो उसका बर्थडे तो पंद्रह को आ रहा तो जब तक वो पंद्रह तारीख नहीं जाएगा तब तक वो थर्टी फोर नहीं होने वाला है तो इवन दैट डेट ऑल्सो मैटर ठीक है तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया देन इट इट सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द एज बिकॉज द बर्थ डे हेज नॉट येट अकर्ड दिस ईयर आई होप अब आपको ये जो हिंट था यू क्लियर हो गया होगा हो एकदम चुटकी में समझ गए ना महीना एक तो चेक करना है क्या वो करंट के बराबर है या नहीं अगर है उसके बाद फिर आपको डेट चेक करना है कि वो है या नहीं अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया मतलब हमें माइनस कर देना है सिंपल आई होप आप समझ गए होंगे राइट right? तो इसको मैं हटा देता हूं ऑल राइट right. तो यही हमारा फंडा है यही हमें करना है एंड ये जो स्टेप है इसके लिए हमें पहले ना बेसिकली ये फिफ्थ स्टेप होगा आ, ये जो अपना फोर्थ स्टेप था वो ये था कि हमें सिर्फ ईयर फाइंड आउट नहीं करना है वी नीड टू फाइंड आउट मंथ ऑफ इच्छ हमें मंथ को भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि दोनों का महीना कौन सा तभी तो हम ये कंपेरिजन कर पाएंगे राइट right? ऑल आट गेस्ट तो आई होप आपको एकदम ब्रीफ बहुत अच्छे से मिल गया होगा है ना तो मैं यहाँ पे अब बर्थ डेट लिख देता हूँ चलो ठीक है अब जो हमारा पहला स्टेप है कि हमें करंट डेट एंड बर्थ डेट को तो वन बाय वन रखना है तो सबसे पहले जो आज का जो डेट है ठीक है तो टुडे uh, डेट या करंट डेट कुछ भी आप लिख सकते थे वो तो बहुत ईजीली आ जाएगा इस तरीके से चलो ठीक है अब यहाँ पर हमारा जो बर्थ डेट है इट विल बी इक्वल टू अगेन वही सेम फंड अपने को अपनाना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट तो बर्थ डेट को मैंने पास कर दी ठीक है तो ये जो मेरा बर्थ डेट था मैंने पास कर दी एंड ये मेरे को एक नया करेंट डेट मिल गया तो मेरा फर्स्ट स्टेप इज डन इट्स डन ठीक है यहाँ पे मैं आ, जो भी है ये मैं कर देता हूँ इस तरीके से ये डन हो गया अब सेकेंड में मुझे ईयर्स को फाइंड आउट करना है स्टेप टू स्टेप टू में क्या करना है गाइस हमें जो ईयर्स है उसको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं लेट एज विल बी इक्वल टू यू नो तो जो भी टूडे डेट डॉट वी हैव गेट ईयर आई गेस कुछ तो ओके गेट फुल ईयर वाव ये सही है माइनस जो भी इसका बर्थ डेट डॉट गेट फुल ईयर ऑल राइट तो ये जो भी है मुझे यहाँ पे क्या मिलता है लेट चेक इट आउट ठीक है यहाँ पे हम चलते हैं मैंने क्या कहा था आज का वीडियो सच में बहुत औसम होने वाला है ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है अब अगर इसको मैं रन करता हूँ इसको हटाता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे थर्टी फो वाह मैंने तो ऐसे तुक्का मारा था थर्टी फोर बट थर्टी फोर ही है रियलिटी में बट हमें मालूम है कि भाई ये बंदा अभी तक थर्टी फोर का हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी तो ये मे का महीना चल रहा है समझ रहे हो एंड वो जो बंदा है वो कब होगा अगले महीने होगा जून के महीने के पंद्रह तारीख को मतलब ये जो है ना ये गलत है ठीक है ऑल राइट right. तो अब हमारे स्टेप आ, बेसिकली थ्री भी डन हो गया है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ये भी डन एंड ये भी डन अब हमें ना महीना को फाइंड आउट करना है अब हम जो हमारा स्टेप है थ्री कर देता हूँ यहां पे तो थ्री आ रहा है ना वो राइट right? तो अब हमें जो मंथ है उसको फाइंड आउट करना है राइट तो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट मंथ डीप कर देता हूं मैं यहां पे एंड इट विल बी गाइस आप लिख सकते हो कि जो भी आज का डेट है गेट मंथ वाओ कितनी इजीली आ जा रहा है एंड बर्थ डेट डॉट मंथ नॉट डॉट गेट मंथ चलो ठीक ऑल राइट तो इसको भी मैं हटा रहा हूँ तो गाइस मुझे क्या हुआ यहाँ पे जैसे मैंने पहले पूरा फुल ईयर निकाला एंड देन एज मुझे मिल गई अब उसी तरीके से मैंने मंथ का जो डिफ्रेंसेस है उसको भी फाइंड आउट कर लिया ठीक है अब मुझे देखो मंथ तो मुझे मिल गया मुझे इसका जो मंथ है एंड देन इनके बीच का जो मंथ है वो तो मुझे बहुत ईजीली मिल गई है तो गाइस तो अब तो बहुत ईजी हो गया ना हमारे लिए क्योंकि अगर ये जो महीना है ठीक है जो आज का महीना है बेसिकली एंड उसका जो जन्मदिन का जो मंथ था अगर उनको हमने माइनस की एंड इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई इट मीन्स कि ये भी जून का महीना है ये भी जून का महीना है ऑब्वियसली राइट एंड अगर लेट से आज का महीना अगर मे होता तो यहाँ पे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आ जाती फिर तो समझ रहे हो ना अब क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया एक कंडीशन uh, लगाना जहाँ पे इफ सबसे पहले हमारा ये जो मंथ का डिफरेंस हो रहा है अगर ये जीरो से छोटा है क्योंकि ऑब्वियसली ये ये कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि ये जो महीना है कौन सा महीना है ये आई थिंक इट्स अ मे तो इनके लिए ये जीरो फोर हो जाएगा एंड जो बर्थ डेट का जो महीना है वो तो जीरो फाइव है तो जीरो तो क्या ही लिखना तो फोर माइनस फाइव विल भी क्या हो जाएगा गैस इट विल बी योर नेगेटिव वन तो ये तो इससे छोटा हो ही गया है. मतलब ये है कि भाई माइनस कर दो लेकिन अभी और भी कंडीशन सिर्फ इतना नहीं होगा समझे ना क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो से छोटा है इट मीन्स कि जो महीना है वो अभी तक आया ही नहीं है उस पर्टिकुलर ईयर में लाइक like हमारे केस में मे का महीना है फिलहाल अभी लेकिन जून आया नहीं है तो ऑब्वियसली वो बंदा अभी तक थर्टी फोर हुआ नहीं है तो ये एक कंडीशन वो हम चेक करेंगे अब आप सोचिए और क्या हो सकता है लेट्स इमेजिन लेट्स इमेजिन कि ये जो महीना है ये है जून का जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये महीना है जून का ठीक है एंड जो उसका बर्थडे है वो भी महीना है जून का चलो ठीक है अब क्या हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि चलो महीना तो दोनों का जून जून है लेकिन आज का डेट है कितना पाँच उसका बर्थडे आता है कब पंद्रह तो फिर भी अगर हम देखें दो महीने तो सेम निकल गए लेकिन उसके बावजूद भी जो डेट है अभी भी दस दिन का फर्क है डेट में तो मुझे किसी तरीके से अगर महीना सेम होता है इफ़ मंथ इज इक्वल राइट देन यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या आने वाली जीरो आने वाली है तो अगर मंथ का डिफरेंस जो है इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू जीरो एंड अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो ये तो कंडीशन हो गया लेकिन साथ ही साथ एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ अब यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट हाँ देख लो ये पंद्रह तारीख है लेट से ये सोलह तारीख होता या लेट से ये सत्रह होता है लेट से ये इक्कीस uh, होता तो अब अगर महीना सेम है एंड जो करेंट डेट है आज का अगर वो जो भी बर्थ का जो डेट था उससे अगर बड़ा हुआ उससे अगर बड़ा होता है इट मीन्स भाई वो दिन निकल चुका है मतलब उसका बर्थडे जा चुका है मतलब हम बोल सकते कि भाई वो थर्टी फोर का हो गया समझ रहे हो ना तो ये कंडीशन अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि हमने महीना तो चेक कर लिया है एंड अगर वो जीरो होता है तो हमें डेट को भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी तो आज का जो डेट है ठीक है एंड ऑब्वियसली गेट डेट लिखना पड़ेगा आपको आज का जो डेट है अगर वो जो है छोटा है किससे जो भी बर्थ डेट है उसके डेट से गेट डेट इट मीन्स कि भाई अभी भी वो बंदा जो है थर्टी फोर का हुआ नहीं है मैंने यहाँ पे क्या पता था कि अगर जो भी डेट है उससे बड़ा है मतलब वो पार हो चुका है लेकिन अगर यहाँ पे फोर्टीन भी आता है टेन भी आता है या लेट्स से फाइव भी आता है मतलब अभी भी ये जो बर्थडे था उससे उसका जो डेट अभी भी छोटा है वो अगर ऐसा होता है अगर छोटा होता है मतलब अभी भी उसका जो एज है उसमें हमें एक माइनस करना पड़ेगा तो एज माइनस माइनस दिस इज इट सिंपल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके बाद जस्ट ये वाला जो दो कंडीशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि बंदा बराबर उसी डेट आई मीन उसी महीने का है यानी एंड वो जो डेट है वो पार हुआ है यानी बस इस तरीके से इतना अगर आप कर देते हो तो हमारा ये जो एज है हम उसके साथ खेल रहे थे ये जो फंक्शन है यहाँ पे ख़त्म होता है यू नीड टू रिटर्न इज नो मैटर वॉट ठीक है कंट्रोलेस सेव अब अगर मैं यहां पर चलता हूँ रन करता हूं एंड बुम गए इसी मुझे थर्टी थ्री आ गई यहां पर कितनी ईजिली अब ये जो बर्थ डेट है इसको मैं टू कर देता हूं एंड ये पंद्रह तारीख ठीक है अब यहां पर नहीं थर्टी फोर हो जाएगा क्योंकि महीना तो फेबर एंड फेबररी तो जा चुका है तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा गाइस ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो डिफ्रेंस मुझे मिलने वाला है वो मुझे पॉजिटिव में मिलने वाला है किस में मिलने वाला है पॉजिटिव में ठीक है तो अगर ये रहता है तो उसका जो एज है वो वापस वो थर्टी फोर हो जाएगा देखो है ना समझ रहे हो तो गाइस या दिस इज इट आज इस वीडियो को लिखना ही एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा सो so, या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो को इतना ही गाइस प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर अभी तक इनको आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले आलतू फालतू सीरीज देखने से अच्छा अभी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा या तो साथ में मिलकर प्रैक्टिस कीजिए जास्क्रिप्ट का ऑलरेडी कोर्स है डेट ऑब्जेक्ट जो है ये सेकेंड पार्ट में आपको मिल जाएगा आ, ये जो दिख रहा है इसमें आपको डेट वाला एकदम डिटेल में मैंने एकदम एनिमेटेड पीपीटी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सा आपको बताए हैं डेट ऑब्जेक्ट के साथ तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है वन मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्द रिएक्ट सीरीज आने वाला मैं नहीं चाहता वैसे वह awesome समीडियोज को आप मिस कीजिए तो इसलिए गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर